आज हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से एवीएन 400 के नाम से बहुत ही आसानी से ये कैप्सूल मिल जाएगा। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करोगे तो आपके स्किन और हेयर से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि उम्र बढ़ाने के सारे निशानियों को कम कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यह एक मेडिसिन है, इसलिए इसका सही फायदे पाने के लिए आपको इसका सही इस्तेमाल भी मालूम होना जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। और अगर आप भी विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो या करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन पर दबा दीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस विटामिन ई जेल को आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल में स्किन को ठीक करने की बहुत सी प्रॉपर्टीज है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट रखता है। इस पर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो कि आपके डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर कर सकता है। तो अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स या पिंपल्स आने लगा है, या चेहरे पर दाग धब्बा हो और आप अपने चेहरे को ज्यादा चमकदार और शाइनिंग बनाना चाहते हो, तो आप विटामिन ई कैप्सूल को एक नाइट क्रीम के तरह इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको हर रोज एक विटामिन ई कैप्सूल को आधा चम्मच एलोवेरा जेल या फिर आप रात को जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाते हो उसी में मिलाकर अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी होगी। और मसाज करने के बाद इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना होगा, ताकि यह आपके चेहरे में अच्छे से काम कर सके और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सके। विटामिन ई बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके इस्तेमाल से बाल घने और मजबूत बनते हैं। इससे स्प्लिट एंड यानी दो मुहे बालों को भी ठीक किए जा सकते हैं। डैंड्रफ को हटाया जा सकता है, बालों का झड़ना रोका जा सकता है और यहाँ तक कि बालों को जल्दी सफेद होने से भी बचाया जा सकता है। आपको सिर्फ करना यह होगा कि आप अपने सिर पर जो भी ऑयल मसाज करते हो, बस उसी में एक विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला ले, फिर अच्छे से मसाज करके रात भर के लिए छोड़ दे। सुबह उठकर बाल धो ले। चाहे फटे होठों को ठीक करना हो या होठों को मुलायम और चमकदार बनाना हो, या फिर डार्क काले होठों को खूबसूरत गुलाबी बनाना हो, इन कामों में विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसके लिए आप आधा चम्मच बादाम के तेल में एक कैप्सूल का जेल अच्छे से मिलाकर अपने होठों पर धीरे से मसाज करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसकी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने लगेगी और आपके होंठ मुलायम बन जाएगी। और इसे रेगुलर होठों पर मसाज करने से आपके होंठ सुंदर गुलाबी रंग की बन जाएगी। आंखों के नीचे पड़ रहे काले निशान या थके हुए आंखों के लिए इसके इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप विटामिन ई के एक कैप्सूल से निकले हुए जेल में दो चार बूंद नींबू का रस मिलाकर आंखों के नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से थोड़ी देर के लिए मसाज करें, तो आपको बहुत जल्दी ही अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर लड़कियों को लंबे नाखून रखना बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि काम करते वक्त नाखून टूट जाता है और एक बार नाखून टूट गया तो उसे बढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको बादाम के तेल में एक विटामिन ई का जेल मिलाकर अपने नाखूनों पर लगातार लगाते रहना चाहिए। इससे आपके नाखून मजबूत भी बनेंगे और जल्दी लंबे भी बनेंगे। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हमारे एड़ियां फटने लगती है। इससे बचने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप फटी एड़ी में जो भी लगाते हो, वैसलीन हो, बोरोलिन हो या क्रैक क्रीम हो, उसी में आप विटामिन ई का जेल मिलाकर पैरों पर लगाएं। ऐसा करने से आपका क्रीम 4 गुना तेजी से फटे हील को रिपेयर करेगा। दोस्तों, अचानक शरीर का किसी भी हिस्से में खिंचाव पड़ने से और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखने को मिलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप विटामिन ई का 2 कैप्सूल से जेल निकाल लें। उसमें आधा चम्मच ऑलिव ऑयल और आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर स्ट्रेच मार्क्स के जगह पर कम से कम 5 मिनट के लिए रोजाना मसाज करें।
एक बार विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करके देखें, यह आपके खूबसूरती को और भी बढ़ा देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारा आज की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप और भी ऐसा हेल्थ टिप्स देखना चाहते हो तो हमारे टॉप हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।